हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अय्यूब सैफी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्प्रे गन मशीन, जिसका मॉडल नंबर हैगा BPS2100। और मैं आपको इसके फीचर बताऊंगा क्या क्या फीचर हैं। चलो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और बॉक्स हो गया खाली, इसको रखते हैं साइड में। गाइस, सबसे पहले हम मैनुअल देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है और इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर हम मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर बोल्ड स्केल प्रो दिया गया है और यहाँ पर मॉडल नंबर दिया गया है BPS2100 और इनपुट AC 230-240 वोल्टेज और MX मैक्स 750 वाट। और यहाँ पर 1.5 मीटर की वायर दी गई है 2 पिन में, जो कि बहुत ही अच्छी काफ़ी वायर हैगी। और इसको इधर रखते हैं अंदर साइड में। और यहाँ पर एक नोजल दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, और दाएं बाएं भी घुमा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आप अगर जितनी आपको माल निकालना होता है उस हिसाब से आप इसको यहाँ पर ढीला भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको मशीन लगाने के लिए यहाँ पर एक पुश दे गया है बटन, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको मशीन लगानी होती है तो आप इस प्रकार लगा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से लग जाती है। और यहाँ पर एक इसमें जोग व्हील दिया गया है, जिससे कि आपको इसमें आपको माल किस प्रकार डालना है, यहाँ पर इस तरह से इसको लेफ्ट राइट करने के दिया गया है। और यहाँ पर एक कैप दी गई है हमें, इस प्रकार इसमें आप माल डाल सकते हैं। जितना आप जोन सा भी आप माल डालना चाहते हैं, यानी आप एनिमल पेंट डालना चाहते हैं इसमें, अपने स्प्रे करना चाहते हैं, या आपको वार्निश करना चाहते हैं, इसमें इस किताब के अंदर दिया गया है मैनुअल के अंदर कि उसको कितनी सेकेंड में आप इसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक कनेक्टर मिलता है और साथ में एक पिन दी गई है। मान लिया अगर आपका माल यहाँ पर फंसता है इसमें, तो इसकी आप इसकी सफाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से दिया गया है। और मैं एक बार कनेक्टर लगा लेता हूँ। इस तरह से इसको लगाना होता है, जैसा कि मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। इस तरह मशीन रख कर लगा सकते हैं। एक बार हम मशीन को चलाकर देख लेते हैं, जिससे कि हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे। मैं बोर्ड में स्विच लगा लेता हूँ। दोस्तों, हम जब काम करेंगे अपनी मशीन से, हम अगर स्प्रे कर रहे हैं तो आपको लगभग 8-10 मिनट तक इसे लगातार चला सकते हैं। उसके बाद आप 5-7 मिनट इसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि छोटी मशीन है, इसमें बहुत ही एहतियात बरतनी होती है। और मैं ये यहाँ पर जोग व्हील दिया गया है, अगर आप बैक साइड घुमाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से जो अपना माल निकलता है वो इस तरह से निकलेगा, और अगर आप इसे घुमाएंगे तो वो इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर अगर इसे आप वापसी कर देंगे तो आपका ये लंबा माल फेंकेगी। और इसका रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है और पकड़ने में बहुत ही आरामदायक है। अगर हम इसके टोटल वेट की बात करें, 1 किलो 200 ग्राम वेट है इसका। इसमें जो आपका कनेक्टर दिया गया है, इसमें आपका 800 ml इसमें आपका माल आ जाएगा। अब हम किसी डोर पर कलर कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 500 ग्राम का ग्रे कलर का एनिमल पेंट है। और ये अपने पास तारपीन का तेल है। हम अपना एनिमल पेंट एक खाली डिब्बे में डालेंगे और उसमें हम तारपीन का तेल मिलाकर उसके बाद हम कनेक्टर में भरेंगे। पाँच ग्राम एलिमन पेंट में हम लगभग 80 ml तारपीन का तेल मिलाएंगे। किसी लकड़ी की सहायता से हम पेंट को मिला लेंगे। हमारा पेंट बिल्कुल ओके हो गया है और अब हम इसको कनेक्ट के अंदर डालते हैं।
हमने अपना स्प्रे मशीन में पेंट भर लिया यानी कि कनेक्टर में, और हम पार्क की साइड चलते हैं, किसी पुराने डोर पर हम अपना पेंट डालकर देखते हैं। गाइज हम आ गए हैं डोर के पास, हमारे इस डोर पर पहले से ही गोल्डन ब्राउन एनिमल पेंट हुआ है, तो हम इस पर जो कलर करेंगे वो हम इस पर ग्रे कलर करेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसका माल मशीन के अंदर से निकलता है। ये हमारा जो जोग वेले में इसका भी यूज़ करके दिखाऊंगा, और सामने से आपको लेफ्ट राइट भी कर दिखाऊंगा। यहाँ हम अपने जोग वेल को फ्रंट साइड घुमाएंगे तो इस तरह से जो अपना माल होगा वो लंबी धार से पड़ेगा, यह आपने देखा। और अगर हम बैक साइड की तरफ घुमाते हैं तो ये इस तरह से अपना माल इस प्रकार छोड़ेगा। और अगर हम अपने सामने वाले वेल को इस प्रकार घुमाएंगे तो ये हमारा माल इस तरह से छोड़ेगा, इस तरह से। गाइस पेंट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और मैंने ये 2 घंटे का काम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट में कर दिया। गाइस इस तरह से जैसे हम अपना गन मशीन चलाते हैं और माल छोड़ते हैं, हमें लगभग 1.25 फुट की दूरी बनाकर इस तरह से आपको कलर करना होगा, उससे जो आपका माल होगा बहेगा कम और सही चलेगा बिल्कुल। दोस्तों इस मशीन को हमने अमेजोन से परचेज किया है, अगर आपको ये मशीन परचेज करनी है आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर परचेज कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।